गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। सो फार हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दो मेथड्स डिस्कस किए थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी एक टेक्निक है जिससे प्लांट्स को ग्रो कराया जाएगा लार्ज अमाउंट में, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। माइक्रो क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम प्लांट के बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे सेल्स और टिश्यूज का यूज होगा। सो सेल्स और टिश्यूज हैं जो किसी भी ग्रोइंग प्लांट के, उनका यूज करके हम नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसी मेथड को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपेगेशन। सो इट इज अ टेक्निक बाय विच न्यू प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम द टिश्यू और सेल्स ऑफ द ग्रोइंग प्लांट। कोई भी ग्रोइंग प्लांट है, उस ग्रोइंग प्लांट के टिश्यूज और सेल्स से हम नए प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड ही रहेगा। स्टेप्स क्या क्या होंगे इसमें? सबसे पहले कट अ पीस ऑफ प्लांट टिश्यू फ्रॉम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। किसी भी ग्रोइंग प्लांट का एक छोटा सा पीस कट करना है। उस पीस में क्या आएगा? टिश्यूज तो आएंगे ऑब्वियस है, तो एक स्मॉलर सा पीस कट किया जाएगा। कहां से कट करना है? ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट, किसी भी प्लांट की ग्रोइंग टिप से करना है, क्योंकि ग्रोइंग टिप ही क्या कर सकती है? ग्रो कर सकती है इजिली। उसके पास ग्रोइंग सेल्स होंगी जो इजिली क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे? देन दिस पीस जिसके पास क्या होंगी? सेल्स होंगी। अब टिश्यू ले रहे हैं, टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सो इस पीस में क्या होंगी? बहुत सारी प्लांट सेल्स होंगी। इस टिश्यू को, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहाँ प्लेस किया जाएगा? एक आर्टिफिशियल मीडियम में प्लेस किया जाएगा। आर्टिफिशियल मीडियम क्या होगा? एक ग्रोइंग सा मीडियम होगा, न्यूट्रिएंट मीडियम होगा, लिक्विड कंटेंट रहेगा बेसिकली। उस लिक्विड कंटेंट में, उस मीडियम में क्या है? न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है। वो न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स इन सेल्स को क्या करेंगे? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। सेल्स को न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा? दीज सेल्स कैन रैपिडली डिवाइड, वो डिवाइड करना शुरू कर देंगी। सो प्लांट सेल्स को हमने कहां प्लेस किया है? एक मीडियम में, ठीक है। मीडियम में क्या है? न्यूट्रिशन प्रेजेंट है तो न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिटिव कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट है तो ये मीडियम कैसा है? न्यूट्रिटिव। जब प्लांट सेल्स को इस न्यूट्रिटिव मीडियम में प्लेस किया जाएगा तो प्लांट सेल्स क्या करेंगे? डिवाइड करना शुरू कर देंगे। मान लो हमारे पास ये एक प्लांट सेल थी, इसने क्या किया? डिवाइड करके दो नई प्लांट सेल्स की फॉर्मेशन की। फिर ये दो नई सेल्स फिर से डिवाइड करेंगी और नई सेल्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा? सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रुप ऑफ सेल्स। और इस ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए एक टर्म यूज की जाएगी, एक नाम दिया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम? कैलस। तो कैलस क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? कैलस की फॉर्मेशन होगी। कैलस की फॉर्मेशन कब होगी? जब प्लांट की सेल्स को हमने एक मीडियम में प्लेस किया, उस मीडियम से सेल्स ने क्या लिया? न्यूट्रिशन लिया और वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड हुई। डिवाइड होने के बाद एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को क्या बोल दिया हमने? कैलस, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या होगा? ये जो कैलस था, कैलस का मतलब क्या? ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको ट्रांसफर किया जाएगा दूसरे किसी मीडियम में। अब ये जो मीडियम है, दूसरा मीडियम, उसमें क्या होंगे? हॉर्मोन्स होंगे। हॉर्मोन्स क्या कराएंगे? ग्रोथ कराएंगे। अब प्लांट्स को ग्रो करना है, इट मीन्स यहाँ पे प्लांट हॉर्मोन्स ही प्रेजेंट होंगे। सो प्लांट हॉर्मोन्स क्या करेंगे? इस कैलस की जो सारी सेल्स थी उनकी ग्रोथ कराएंगे और डिफ्रेंशिएशन कराएंगे। डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई भी सेल एक पर्टिकुलर फंक्शन को अटेन कर लेगी और वो डिवाइड होना बंद कर देती है, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? कोई भी सेल से जिसका जो भी फंक्शन है, मान लो किसी सेल का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस करना है। तो इस मीडियम में जब रखा गया ना, हॉर्मोन कंटेनिंग मीडियम में, तो सेल्स की ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद क्या करना है? सेल को कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करना है ना। तो सेल्स की क्या हो गई? यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गई। इट मीन्स हर एक सेल को कोई ना कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन मिल गया है। सो इस तरह से हमारे पास प्लांटलेट्स की फॉर्मेशन होगी। प्लांटलेट्स क्या? छोटे छोटे से प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्लांट्स की सेल्स क्या पूरी तरह से फुल्ली मेच्योर हो चुकी है, ग्रो अप कर चुकी है वो। फिर क्या किया जाएगा?
ये जो प्लांटलेट्स थी ना इनको प्लेस कर देंगे सोइल में, और सोइल में प्लेस करने के बाद प्लांटलेट्स फिर से ग्रो अप करेंगी और एक मैच्योर प्लांट की फॉर्मेशन कर देंगी। तो एक थोड़ा सा हमने पीस लिया था प्लांट टिश्यू का, और उस प्लांट टिश्यू से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बनी और नंबर ऑफ क्या बन जाएगी हमारे पास प्लांटलेट्स, और नंबर ऑफ प्लांटलेट्स बन गई इट मीन्स नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्मेशन होगी। एग्जाम्पल किसके लिए यूज कर सकते हैं, ऑर्चिड्स फ्लावरिंग प्लांट है और डालिया, ठीक है, इन दोनों प्लांट्स के लिए, और भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए हम यूज कर सकते हैं। ये दो एग्जाम्पल्स याद रखेंगे आप। एडवांटेजेस क्या है इसके, मेनली तो इसको यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं, जिनको हम डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज करेंगे, मीन्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे जैसे, तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स आएंगे उनके लिए किसका यूज कर रहे हैं हम, टिश्यू कल्चर का यूज कर रहे हैं, सो डेट लार्ज अमाउंट में हमारे पास नए प्लांट्स की फॉर्मेशन हो सके। और क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी ग्रोन इन शॉर्ट टाइम, थोड़े से टाइम में क्या है नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्मेशन की जा सकती है। सिमिलर प्लांट्स, अब देखो यहाँ पे जो हमने प्लांट सेल ली थी, टिश्यू लिया था, यहाँ पे उसी टाइप की प्लांट सेल्स ने क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनी है यहाँ पे, ये एक सेल थी, तो जो नई सेल्स बनी है वो भी कैसी बनी, इससे सिमिलर बनी है ना, इस जैसी बनी है। सो जो भी सेल्स बन रही है फर्दर, वो सब की सब आपस में क्या है, सिमिलर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्लांट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। प्लस जो प्लांट्स है वो डिसीज फ्री होंगे। डिसीज फ्री क्यों है, क्योंकि उन प्लांट्स की प्रॉपर केयरिंग की जा रही है, उनको हॉर्मोन कंटेनिंग मीडियम में भी ग्रो कराया गया। सो अच्छे से एक वेल डेवलप्ड प्लांट की फॉर्मेशन की जा सकती है। सो ये है टिश्यू कल्चर, जिसमें छोटे से टिश्यू का यूज करके हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इस टेक्निक के लिए एक और टर्म यूज की जा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉलर, प्रोपेगेशन का मतलब क्या, प्रोपेगेट करना, उनको डेवलप करना, ग्रो अप करना, ठीक है। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है, ही और शी कैन आस्क टू मी, ठीक है। सो आज हम बस इतना ही करेंगे।